Namaskar and welcome to my kitchen, the ultimate food show with healthy and tasty food. अगर खाने के मामले में हम इंडियंस को कोई मुकाबला दे सकता है तो वो है इटालियंस. जी हाँ, पिज्जा और पास्ता का ये मुल्क अपने खाने को उतना ही सीरियसली लेता है जितना कि फुटबॉल को. नतीजा, जायकेदार पकवान का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास, बिल्कुल हिंदुस्तान की तरह. तो चलिए आज चलते हैं इटली और बनाते हैं वहाँ का एक वेरी फेमस एग डिश जिसका नाम है फ्रिटाटा, और उसे देंगे हम अपना ही एक अनोखा ट्विस्ट. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लेंगे एक ऐसा पैन जिसके ऊपर कवर है, तो फिलहाल तो कवर निकाल देते हैं. पैन को गर्म करने रखते हैं और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल. तेल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा उसमें हम डालेंगे पोटैटोस, मशरूम्स, पीज, कैरेट्स एंड टमाटर. यूजुअली फ्रिटाटा जो इटली में बनता है उसमें मीट और चीज की टॉपिंग आती है. तेल गर्म हो गया है, इसमें अब हम डाल देते हैं हमारे वेजिटेबल्स. आप कोई भी ऑर्डर में डाल सकते हैं. पहले थोड़ा सा मशरूम डाल देते हैं, फिर डालते हैं थोड़े से पीज, थोड़े से चॉप्ड कैरेट्स. इसे थोड़ी देर धीमे आंच में पकने देते हैं और तब तक हम काटेंगे हमारे छोटे छोटे बेबी टमाटोज एंड बेबी पोटैटोज. हम लेंगे बेबी पोटैटोज. मैंने इन्हें पहले से ही पार्बॉइल्ड किया है तो इन्हें कुक करने का कोई इशू नहीं है. इन्हें पतले पतले इनके स्लाइसेस कीजिए. और इसे अब हम डाल देते हैं बाकी के वेजिटेबल्स के साथ. अब इसे थोड़ी देर सॉटे करेंगे. अब हम करेंगे एक बहुत ही मजेदार चीज. लीजिए ढेर सारे अंडे और इन्हें एक बड़े बोल में तोड़ के डाल दीजिए. ऑलराइट, आई थिंक दैट शुड बी इनफ. And let's use a beater now. अच्छे से हमें बीट करना है. इस पूरी रेसिपी की खासियत यही है, उसकी खूबसूरती इसी में है कि ये अंडे अच्छे तरह से बीट हो जाएं, because we want them nice and fluffy. तो अच्छे तरह से इन्हें बीट कीजिए. अगर आपके पास एग बीटर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च. Now, let's whip. अब ये जो फ्लफी मिक्सचर हमने बना लिया है, अंडे को फेंट के उसे अच्छे से फ्लफी कर लिया है, उसे अब हम अच्छे से पोर कर लेंगे इसके ऊपर. ओके, ऑलराइट. अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा कसा हुआ चीज. इसके ऊपर पूरा चीज आ जाए. अब इसे आप इस तरह से ढक लीजिए एंड लेट द मैजिक बिगिन. थोड़ी देर में ही ये एकदम फ्लफी हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा. इसे हम निकालेंगे, इसके वेजेस बनाएंगे एंड गर्मा गर्म सर्व करेंगे. चलिए अब इसको हम फ्लिप कर देते हैं. जस्ट पिक अप द पैन एंड केयरफुली जस्ट फ्लिप. अब इसे एक बार फिर से पैन में स्लाइड कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से ये पक जाए. फिर से इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं. छोटा पैन यूज कीजिए क्योंकि आप छोटा पैन अगर यूज करेंगे तो आपको उसे फ्लिप करने में आसानी होगी. अब ये दूसरी तरफ से भी पक गया होगा. चलिए एक और प्लेट लेते हैं. ओके, अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में. इटालियंस का अंडा भी पिज्जा के जैसे ही दिखता है. तो चलिए अब इसके हम पिज्जा के जैसे स्लाइसेस भी काट लेते हैं. लेट्स कंप्लीट इट. इसी तरह के इसके बाकी के भी वेजेस बना लेते हैं. मैंने चार स्लाइसेस बनाए हैं पर आप चाहें तो ज्यादा भी बना सकते हैं. अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में.
तो ये तैयार हैं हमारे फ्रिटाटास। चलिए देख लीजिए इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप। फ्रिटाटा बनाने के लिए एक गरम पैन में एक बड़ा चम्मच तेल, चार बड़े चम्मच स्लाइस्ड मशरूम्स, दो बड़े चम्मच हरा मटर, तीन बड़े चम्मच गाजर, तीन से चार छोटे चेरी टमाटोज, तीन से चार उबले आलूओं को स्लाइस करके डालें और फ्राई कर लें। अब एक बड़े बोल में छह से सात अंडे, एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच कुटी काली मिर्च डालकर झाग आने तक अच्छे से बीट कर लें। फिर तैयार अंडे के मिक्सचर को सब्जियों के मिक्सचर पर पोर कर लें और ढक कर 10 से 15 मिनट तक दोनों तरफ से पका लें और एक प्लेट में निकालकर चार भागों में काट लें। फिर एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें।